Hello dear students, my name is Maulin Kadikar. I am doctorate and chartered accountant. मैं financial management CA intermediate में और AFM advanced financial management CA final में पढ़ा था। आज का ये video specially November 23 की आपके examination के 1.5 day पहले आपका preparation कैसे होना चाहिए उसका guidance देने के लिए है। This is based on my experience of teaching with students. So this is completely based on my understanding. Coming to the point, examination ka paper style kaisa hota hai, wo main aapko ek minute mein pehle bata deta hoon. Examination ke paper mein aapko total 6 questions puche jayenge. In that question number 1 is compulsory. Jisko log 4 questions puchenge, har ek ka weightage hoga 5 marks. 4 into 5, 20 marks. Second question से लेके fifth question, in that वो लोग एक question हमको पूछेंगे, हर एक का weightage होगा 10 marks. आखिरी question होगा, in that वो लोग तीन questions हमको पूछेंगे, 6A, 6B, 6C और 6C. ऐसा करके हमको वो तीन questions का हमको answer देने का बोलेंगे, जिसका marks weightage usually 4 marks and 2 marks होता है। ये 6 हमको जो questions पूछे जाएंगे, उसमें first question जो होगा वो compulsory question होगा, and question number 2 to question number 6, ये 5 question में से हमको कोई भी 4 questions के answer देने हैं। 4 questions, हर एक का weightage होगा 10 marks, that is the weight comes to 40 marks, 20 plus 40 ये 60 marks का examination paper होगा, financial management का, economics का अलग से 40 mark का। जो question number 1 है वो compulsory है, और question number 2 to question number 6, ये 5 question में से हमको कोई भी 4 questions के answer लिखने हैं। Dear students, importantly, जो पहले 5 questions है, वो पहले के 5ों के 5 questions हमारे practical questions होंगे, और जो आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट वुड बी थ्योरी क्वेश्चन। दिस इज द एग्जामिनेशन पेपर स्टाइल दैट से वी हैव। वी कैन से दैट से एज अ स्टूडेंट से यू मे स्किप एंटायर थ्योरी क्वेश्चन, ऐसा आपके पास चॉइस है। हाउएवर मोस्टली ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको एक क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लग सकता है, या तो कोई एक क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उस केस में थियरी क्वेश्चन अटेंड करना प्रेफरेबल है। दूसरा, थियरी क्वेश्चन अटेंड करने से फायदा ये रहता है कि सपोज कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, लेट्स से आपका सपोज कि इनिशियल कोई पॉइंट गलत हो जाएगा, तो उसका कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट आएगा रिमेनिंग क्वेश्चंस में, वो उसका ड्रॉबैक है। उसके कंपैरिजन में थियरी में सपोज कि हमको ऐसा थियरी क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रेशियो एनालिसिस, जिसमें से हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 में से 2 गलत है और 3 सही है, तो जो सही है उसका हमको मार्क्स मिलेगा। ऊपर से थियरी में हमको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस उसमें हमारे पास चॉइस है। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट से उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने की वजह से उस पर रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन टू फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में रिस्क रहता है। मेरा सजेशन ऐसा है, लेट से अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, देन इन दैट केस मेक श्योर लेट से यू आर अटेंडिंग थियरी क्वेश्चंस इनसेड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नाउ हमारा जो सिलेबस है उसमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 9 चैप्टर्स, और जो आखिरी 10th चैप्टर है उसमें 6 यूनिट दे रखे हैं, यानी इन टोटल हम लोग बोल सकते हैं दैट से 9 और 6 टोटल 15 चैप्टर्स है। ये 15 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा थियरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 में जो 6 यूनिट है वो भी पूरा का पूरा थियरी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बाकी के जो सारे चैप्टर्स है उसमें थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। जो थियरी क्वेश्चन हमको पूछा जाता है उसमें मोस्टली ये जो स्पेसिफिक थियरी चैप्टर्स है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी में से पूछा जाएगा। देयर आर फेयर चांसेस दैट से दूसरे जो हमारे प्रैक्टिकल और थियरी के कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स हैं उसमें से वो थियरी पूछ सकते हैं।
बट स्टिल जब हम लोग थियरी करेंगे तो मेरा सजेशन ऐसा है कि सबसे पहले ये जो सिर्फ थियरी वाले टॉपिक्स है उसमें से सबसे पहले थियरी करने का, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, टेंथ चैप्टर में छठा यूनिट, दिस इज द वे से द थियरी शुड बी प्रिपेयर्ड। नाउ हाउ टू मेक द प्रिपरेशन फॉर लास्ट वन एंड हाफ डे, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो हम लोग जनरली कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जनरली नॉट प्रिसाइसली लाइक दैट, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद से कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज, ये जो तीन चैप्टर्स है फ्रेंड्स, ये तीन चैप्टर्स आप साथ में कीजिएगा, उन तीनों के कॉन्सेप्ट बहुत सारे ओवरलैपिंग है। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, वो भी ओवरलैप हो सकता है इन अ वे दैट से काफी सारे से कॉन्सेप्ट उसमें जुड़े हुए हैं। डिविडेंड डिसीजन एक हम लोग समझ सकते हैं, दैट्स एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। रिस्क दैट इज से द रेशियो एनालिसिस से, वो भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। एंड ऑफ कोर्स से ये तो उन्होंने साथ में ये रखे, तो ये सारे कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। सो दिस इज द वे से आप बंच ऑफ द चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी और लिवरेज तीनों साथ में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड रिस्क एनालिसिस वो दोनों साथ में, डिविडेंड डिसीजन, रेशियो एनालिसिस आप कभी भी ले सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल का पूरा बंच। दिस इज द वे यू कैन हैव द प्रिपरेशन। नाउ फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स सारे के सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर प्रिपरेशन इज कंसर्न। ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्होंने पूछा नहीं है। सो वी अंडरस्टैंड दैट से इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला जो चैप्टर है दैट इज से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट से वी हैव फ्रॉम एग्जामिनेशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर में लिमिटेशन ये है दैट से दिस इज क्वाइट लेंथी चैप्टर। मेरा सजेशन ऐसा है दैट से इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर आप अगर शुरू करते हो, दैट इज से बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, देन यू मस्ट बी हैविंग अ टाइमलाइन से टू कंप्लीट से द एंटायर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग आप ले सकते हो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म करने के बाद अगर रिस्क एनालिसिस लेते हैं तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देन वी अंडरस्टैंड दैट से द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज एंड लेवरेज, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कंपेरेटिवली से द लिवरेज इज गोइंग टू बी से द स्मॉलेस्ट वन, उसके बाद से द मीडियम है से द कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी, एंड अमंग द थ्री से द लार्जेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट ऑफकोर्स वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जितना भी लंबा चैप्टर नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया दैट से रेशियो एनालिसिस कभी भी ले सकते हैं एंड डिविडेंड डिसीजंस कभी भी ले सकते हैं। डिविडेंड डिसीजंस कंपैरेटिवली एक छोटा चैप्टर है, दैट इज क्वाइट स्मॉल चैप्टर। रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें अगेन से देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मूलास व्हिच वी हैव। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो एनालिसिस में वो लोग हमको मोस्टली मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, मोस्टली। ऑफकोर्स ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट वो एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलास वाले क्वेश्चंस लोग ज्यादा पूछेंगे। नाउ मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में एज अ स्टूडेंट से आपको वो क्लैरिटी आना चाहिए दैट से सपोज हमको वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है और क्विक रेशियो दे रखा है, तो उसके ऊपर से मेरे को करंट असेट्स मिलेगा, करंट लायबिलिटीज मिलेगा और मुझे स्टॉक का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यूजुअली प्रीपेड एक्सपेंसेस को जीरो माना जाएगा। सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड से फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन कि कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग सबसे पहले ग्रैब कर पाएंगे। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड इज द रेशियो एनालिसिस अ सेपरेट चैप्टर। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इन दैट जो चैप्टर नंबर फोर है हमारा, से दैट इज चैप्टर नंबर थ्री, दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो आपके कॉस्टिंग में कवर होता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल के बहुत आसान क्वेश्चंस मॉड्यूल में रखे हुए हैं,
जो आपके कॉस्टिंग में यूजुअली कवर हो जाते हैं, एंड आई वुड से दैट से ओवर द लास्ट 10 इयर्स उन्होंने सिर्फ एक या दो बारी से इसमें से कुछ पूछा गया है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द लेंथियस्ट अमंग ऑल. ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है, रिसीवेबल मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है, पेएबल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली अ वेरी स्मॉल चैप्टर. सो दिस इज द वे से द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, दैट इज वो जो सेगमेंट है उसमें वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन होता है, दैट इज व्हाट से वन काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, दैट इज वन यूनिट. उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो मेरे हिसाब से लीस्ट इंपॉर्टेंट है. द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट से वो ऑलरेडी कॉस्टिंग में कवर हो चुका है, और दूसरा उसमें सिर्फ ईओक्यू और रीऑर्डर्ड लेवल के दो ही कॉन्सेप्ट है. उसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट, दैट इज कंपेरेटिवली अ स्मॉल चैप्टर. देन ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, और उसके बाद से वी हैव से द पेएबल मैनेजमेंट. पेएबल मैनेजमेंट से फ्रेंड्स से हार्डली दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन. अमंग ऑल ऑफ दिस लाइक चैप्टर्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, इन तीनों चैप्टर्स में से वो लोग लाइक रूटीन में इन तीनों चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं. नाउ फ्रेंड्स, हमारा एग्जामिनेशन खत्म हुआ है और हमको एफएम और इको के लिए प्रिपेयर करना है. तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, फ्रॉम माय एंड सब्जेक्टिवली आई एम टेलिंग यू, सो इट इज एग्जामिनेशन जो दिन खत्म हुआ दैट इज डे वन. नेक्स्ट डे पूरा हमको मिलेगा डे टू, और थर्ड डे जिस दिन हमारा एग्जामिनेशन है शाम को 5 बजे एग्जामिनेशन खत्म होगा. सो डे वन को सपोज एज अ स्टूडेंट मैं 6 to 11 दैट इज द टाइम पीरियड फॉर विच आई स्टडी 5 आवर्स. लेट अस से दैट्स 11 o'clock को लाइक खाना पीना खा के सब कुछ करके आई गो टू स्लीप. देन से नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेट अस से दैट्स फ्रॉम लेटेस्ट 8 o'clock टू मैं शाम तक पढ़ूंगा, बीच में ऑफकोर्स ब्रेक्स और वो सब होंगे. सो सेकेंड डे जो होगा वो मुझे पूरा मिलेगा, इन दैट से स्टडी फॉर एटलीस्ट लाइक 12 आवर्स. नेक्स्ट डे से लास्ट एग्जामिनेशन पेपर है, तो इस उस दिन भी से मॉर्निंग 7 o'clock से लेके 1 o'clock इन दैट से द टोटल 6 आवर्स है, तो हम लोग टोटल कंजर्वेटिवली 5 आवर्स रखते हैं. सो टोटल हमारे पास से अप्रॉक्सीमेटली से 22 आवर्स है. तो ये 22 आवर्स का बाइफर्केशन कैसे करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले एज अ स्टूडेंट से यू हैव टू बाइफर्केट दैट से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो, और इकोनॉमिक्स से उसमें आपको कैसे टाइम का बाइफर्केशन करना है. इकोनॉमिक्स के लिए से वॉट एवर योर लाइक गट फीलिंग फॉर द टाइम प्रिपरेशन दैट इज व्हाट से यू हैव टू अलॉट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कैसा करेंगे से वो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. अज्यूमिंग दैट से द फाइनेंशियल मैनेजमेंट को से आप 14 आवर्स का टाइम पीरियड दे रहे हो, एंड ओवर देयर से यू गिव टाइम पीरियड ऑफ 8 आवर्स. सो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन एज अ स्टूडेंट जो पहले 3 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन आपको अप्रॉक्सीमेटली हर एक चैप्टर में यू शुड टेक 1 hour and 20 minutes. दैट इज द अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड इन विच यू शुड कंप्लीट द चैप्टर. मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, यू शुड गो थ्रू वन ईच ऑफ द मेथड. जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यू गो थ्रू NPV मेथड, IRR मेथड, PI मेथड, payback period and so on. You just need to go through. उसके बाद से भाई उसमें sunk cost का concept है, replacement of the decision का है, unequal life का है, वो सारे concepts को आपको अच्छी तरह से go through करना है. And say basically you have to make sure that say within a specific time period you are able to complete it. उसके बाद capital structure theories और ratio analysis जो comparatively say that is going to take less time. इन दैट से मेरा सजेशन ऐसा है दैट से यू शुड टेक 1 hour each. इन दैट टाइम ड्यूरेशन यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट. थियोरी जो है, जो भी आपने थियोरी किया फ्रेंड्स, इन दैट से इट शुड टेक
approximately your 2 hours. Within the time frame आपको complete करके आगे चलना है friends. सबसे पहले formulas को go through कर दो, type of the questions को go through कर दो. Individually questions गिनने का हमारे पास time नहीं रहेगा. Remaining 7 chapters है जिसमें of course मैंने inventory management को भी गिना है for the time being. In that say you should give so the remaining time period. So approximately you would be able to give 45 minutes say to each of the chapter. In that also you just have to go through the type of the questions. देखो आपको अपने आप पे भरोसा रखना ही पड़ेगा that से मेरे को examination में याद आ जाएगा. अगर हम लोग pessimistic होते रहेंगे then in that case हमको like initial chapters खत्म करने में बहुत सारा समय चला जाएगा. So this is what say the like I would suggest all of you that say the approximate time in which you should complete the individual chapters. I just give quick summary. Examination ka paper pattern aapko clear hona chahiye, usme koi doubt nahi hona chahiye. Second thing that say the examination ke paper mein you can attempt the questions in any sequence 2 6 5 4 1 aisa kuch bhi, but internal sequence uska break nahi karna hai. For that say you need to be conscious. क्वेश्चन सिलेक्ट करने में ध्यान रखना है दैट से आप छोटा क्वेश्चन सिलेक्ट करो दैट यू आर एबल टू सॉल्व इट इमीडिएटली दैट इज क्विकली. जैसे कि कैपिटल बजटिंग का कोई क्वेश्चन है जिसमें डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, 10 साल का समय है और टैक्स रेट दे रखा है, तो उसको थोड़ी देर के बाद लेने का क्योंकि उस पर यह वर्कीबुक बनाने में बहुत समय जाएगा. सेकेंड माई सजेशन इज दैट से हो सके तो बंच ऑफ द चैप्टर्स ऐसे लीजिएगा कि जिसकी वजह से यू वुड बी एबल टू से रिवाइज द थिंग्स विद द कनेक्टेड कॉन्सेप्ट. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिस्क एनालिसिस साथ में लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी, लिवरेज साथ में लीजिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा बंच साथ में लीजिए, डिविडेंड डिसीजन और रेशियो आप कभी भी ले सकते हैं. टोटल जो हमारे पास टाइम है दैट आई हैव दैट इज आई टेक इट अप्रॉक्सिमेटली 22 आवर्स है हमारे पढ़ाई के लिए टेकिंग साउंड स्लीप. उसमें आप एक अप्रॉक्सिमेट बाइफर्गेशन कर सकते हैं कि 60% के हिसाब से एफएम में 13.2 लगता है इसलिए हम लोग 14 आवर्स ले रहे हैं बिकॉज इट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स को 8 आवर्स. मेरे हिसाब से जो लेंदी चैप्टर्स है, मॉडरेट चैप्टर्स है और स्मॉल चैप्टर्स उसका बाइफर्गेशन मैंने लिखा है. इन दैट लाइक जो लेंदी चैप्टर्स उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 20 minutes ले सकते हो. मॉडरेट में 1 hour एंड से थियोरी में 2 hours वुड बी सफिशिएंट आई थिंक. और रिमेनिंग चैप्टर्स में से यू शुड बी एबल टू डू इट इन 45 मिनट्स. दिस इज व्हाट से द काइंड ऑफ लाइक द रिवीजन दैट से यू शुड बी डूइंग. ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ स्टूडेंट आपको शुरू यहीं से करना है से इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले सेगमेंट से. क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जाएगा. उसके बाद से ये वाला सेगमेंट आप लोग लीजिएगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो लाइक आस्क फ्रीक्वेंटली. रेशियो डिविडेंड डिसीजन आप कभी भी ले सकते हो, उसके बाद लेना हो तो भी ले सकते हो. और उसके बाद लास्टली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. विश यू ऑल द बेस्ट. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आई वॉन्ट यू टू पास कमेंट दैट्स हाउ इज द वीडियो, इज दैट हेल्पफुल टू यू आर नॉट.